आपको एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। वो रियल है पर क्या बोलते हैं, वो स्टोरी इतनी खतरनाक है आप लोग उसको सुन नहीं सकते। रात के ऐसे 2 बज रहे हैं, अगर आपको यकीन ना हो रहा मैं आपको फोन में दिखा सकता हूँ। उनको दिखाया गाइस 1:47 हो रहे हैं इस वक्त। हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि उसमें मतलब बहुत डरावनी स्टोरी, मतलब आपको कैसे पता है, मतलब कि आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइटल मतलब कि एक हॉस्टल था, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक हॉस्टल था वहाँ पे कम से कम खूब बच्चे रहते थे। वो हॉस्टल बहुत फेमस था, वहाँ कहा जाता था हॉस्टल का तो जिसे नाम इतना नहीं पता, वैसे हाँ इतना पता है वो हॉस्टल बहुत बढ़िया हॉस्टल था। पर उसमें एक बच्चे ने मतलब फांसी लगा ली थी। वो तो उसका तो उसको तो क्लोज कर दिया था वो मैटर। फिर बाद में जब एक नया बच्चा आता है तो मतलब कि हॉस्टल के मतलब बच्चे जिसे सीनियर रहते थे, जो रहते थे सीनियर, मतलब कि क्या बोलते हैं, जब एक नया बच्चा आता था, एक लड़की थी और जो सुसाइड करी थी पेड़ से लटक के बरगद, वो बरगद का पेड़ था जिस जो सुसाइड करी थी, वो भी एक लड़की थी। और जो जो लड़की आती है, तो कोई आर्य नाम की लड़की थी आती है, जब वो चलती है कहती है पापा मुझे वाले हॉस्टल में नाम लिखवाना है, तो बाद में नाम लिखवा लेती है। बाद में उसको दुख होता है कि फिर बाद में रोती है कि हम पापा से दूर आ गए हैं, पापा मम्मी से। तो बाद में ऐसे जो वहाँ की जो टीचर्स रहती है मेड, वहाँ की मेड कहती है, वहाँ की मेड हर चीज़ देखती रहती थी। वहाँ की मेड कहती है कि वहाँ पे वो पेड़ के पास कोई मत जाना, और जो वहाँ पे स्टूल और चेयर रखा है वहाँ पे तो बिल्कुल कोई बैठना मत। वहाँ पता है फिर उसकी जो 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 फांसी लगाई रहती है अंशिका, वो अंशिका तो मतलब कि क्या बोलते हैं, वो फांसी तो चढ़ा लेती है, वो फांसी चढ़ा ही रहती है वही बेंच पे खड़ी होके, इसलिए मना करती है। फिर अंशिका वही आर्य की दोस्त बन जाती है। तो जब उस आर्य की दोस्त बन जाती है तो फिर बाद में वो दोनों फिर बोलते हैं, फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर उसको पता रहता नहीं, फिर अंशिका जो हॉस्टल के सीनियर रहते थे खूब परेशान करते थे आर्या को, अंशिका को परेशान करते थे। फिर एक बार आर्या को परेशान खूब कर रहे थे, मतलब अंशिका गाय वो अंशिका नाम की लड़की को भी परेशान करते थे, मतलब कि इसलिए आर्य जो थी, मतलब आर्य और अंशिका दोनों दोस्त बन गए थे। पर आर्य को तो पता नहीं था कि अंशिका भूत है, तो मतलब कि आर्य को एक बार परेशान कर रहे थे तो अंशिका ने एक बार उसको अंशिका फिर उन लोगों को पास मजा चखा दी। तो पता है आर्य ने क्या किया, आधे ना परेशान करो प्लीज, आर्य ने ये क्या, आर्य ने सो गई थी और जो वहाँ के उसके सीनियर थे आए, उसके बाल बाल ऐसे बाल खोल के सो गई थी। और मतलब कि वो लोग आए, मतलब कि उसके नीचे मतलब कि कैंडल रख दिए थे कि बाल में आग लग जाए। और फिर बाद में जो उसके जो सीनियर रहते थे 3 लोग, एक एक मतलब एक मतलब 3 लोग सीनियर थे, और जो अंशिका थी, अंशिका उसके पास हमेशा बिस्तर बैठ ही रहे, कभी सोए हुए ना। अरे एक बार पूछिए एक बार, पर मतलब कि क्या हुआ, फिर बाद में जब उनके 3 सीनियर्स हो गए, जो उनमें से एक लड़की थी वो अंशिका उसका भी नाम था, मतलब वो भी थी अंशिका, मतलब उसके बाल नीचे कैंडल लगा दिया गया और वो तो उसका बाल तो आधा जल गया। फिर बाद में सुबह उठती है, सब रोने लगते हैं एक बार की। तो फिर बाद में तो फिर वो कहती है, अंशिका कहती है आर मतलब आर्या कहती है मैम, सब अंशिका कहती है मैम आर्या ने मेरा बाल जला, आर्या ने। फिर आर्या कहती है नो मैम, वो अंशिका ने करा, मेरे साथ एक और अंशिका रहती है वो वहाँ बैठी है, देखी मैम वो करा। मैम एक बार घबरा जाती है मैम। फिर बाद में मैम बाद में उसके जब स्कूल की सारी फाइल देखती है कौन कौन बच्चे थे, पुरानी एक लड़की थी अंशिका, वो पेड़ पर फांसी लगा ली थी, सब डर जाते एक बार की। फिर बाद में आर्या को गुस्सा होती है, फिर अंशिका ऐसे कहती मतलब कि अपना भूत अपना बन जाती है भूत। फिर कहती है तुम मुझे परेशान करोगी, जो मैम थी वहाँ की मैम एक पंडित जी को जानती थी, जब बुलाया गया बरगद के पेड़ के पास, जब पंडित जी पूरा कार्यक्रम कर रहे थे पूरा वो सब, तो आर्या कहती है। फिर अंशिका को आभास होता है, फिर अंशिका तुरंत ही जब आर्या के अंदर घुस जाती है अपने को हम कमरे में फांसी लगाने लगती है, तो उसके जो सीनियर रहते हैं रोकने लगते हैं, डर जाते हैं, वो भी सीनियर रोकने लगते हैं। बाद में कहते हैं ना करो ना करो। फिर जब 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 फिर अंशिका मर आ रहे हैं, मतलब अंशिका
अंशिका उसके अंदर थी आदि, मतलब कि एक तरीके से उसके अंदर पूरा उसको कंट्रोल कर ली थी, अपने वहां के बरगद पेड़ पे आके बंद गई, वहां बरगद पेड़ पे। वहां पे जब सब पूछा कि उसको तो मुक्ति दिला गई, और वहां पे आ रहे अपने आप बेहोश होकर गिर गई। तो उसके सीनियर थे वहां पे, उसको बिस्तर पर लेटा दिए, उसको समझ गए थे गलत कर रहे हैं, तो गंदी बात है। बाद में क्या बोलते हैं, फिर वो बाद में वो लोग फिर बाद में फिर सब सही हो जाता है। तो बाद में जब हॉस्ट गर्मी की छुट्टी हो जाती है, सबको सही हो जाता है। पर मतलब कि अंशिका अभी उसकी आत्मा शांत नहीं हुई रहती, पर हाँ मतलब चला गया। तो बाद में ये स्टोरी को अभी डी एंड कर दिया जाता है। ये स्टोरी अब गाइस डी एंड हो गई, बाय गाइस, अब ये स्टोरी ख़त्म हो गई, बाय गाइस। गाइस आपको स्टोरी कैसी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम इसका एम्स करते हैं 1000 लाइक्स। गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय गाइस, बाय।